साडे देश च बेरोजगारी किन्नी कु है यह हर एक नूं स्पष्ट है, पर कुछ लोग अजिहे हुंदे ने जो अपने रास्ते आप कटदे ने। गल करिए सिरसे दे डब वाली इलाके दी, तां इत्थे दीआं औरतां जुत्तियां बनाउण दा काम करदीआं ने, ते इह जो जुत्तियां बनांदीआं ने ब्रांडेड नूं वी इह मात पाउंदीआं ने। किवें बनांदीआं ने इह जुत्तियां, की फायदा हुंदा उहनां नूं अजिहे रुजगार दे नाल, की स्थिति है उहनां दी, आओ तुहानूं दिखाने आ। जुत्तियां चप्पलां च अज कई ब्रांडेड कंपनियां अपनी पूरी ताक जमा रहियां ने, पर इस दे बावजूद डब वाली च जिहड़ी जुत्ती तैयार हुंदी है ओह कई सूबियां दीआं महिलावां वास्ते किसे ब्रांड तों घट साबित नहीं हो रही। इत्थे तैयार होण वाली जुत्ती दी डिमांड देश दे कई सूबियां दे विच मौजूद है। जुत्तियां दे इस कारोबार ने डब वाली नूं इक वक्खरी ही पछाण दित्ती है। दस दईए कि इस दे नाल कई महिलावां नूं रुजगार भी मिलिया। वर्णनयोग है कि इस कारोबार दे विच ज्यादातर दलित भाईचारे दीआं महिलावां शामिल ने। डब वाली च पिछले 30 सालां तों महिलावां जुत्ती बनाउण दे काम च जुटियां होईआं ने, पर दस दईए कि महिलावां नूं जुत्ती तैयार करन दे 30 या 40 रुपए ही मिलदे ने। पूरे दिन च केवल 6 ही जुत्तियां बणदीआं ने। की आखदीआं ने महिलावां अपने इस कारोबार बारे, आओ जानते हां। ये तो मैं पहले तो नहीं बनाती, पापा एक्सपायर होए वादे पे बनाने लग गए। पहले तो कभी नहीं करवाया पापा ने काम, एक्सपायर होने के बाद फिर घर खर्चा चलाने के लिए करना पड़ता है। 10-11 साल बस बना लेते हैं। अच्छे एक जुत्ती का 20 रुपया मिलता है। हम तो दिहाड़ी पे करते हैं, वैसे सेठ तो इनका कोई और है, हम तो यहाँ पे बना के दुकान पे देके आते हैं, वहाँ से जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। कितनी आपकी लागत आती है, कितना आपको खर्चा मिलता है इसका? जितना काम करो उतना ही मिलता है। कई बार 10 भी हो जाती है, कई बार 6 भी हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है। ऐसे हाँ वो उनका होता है सब, हमको तो सिलाई करना होता है सब। हाँ वैरायटी काफी होती है, महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है, हम यही बनाते हैं। गोल भी आती है इसमें, ये चोर्स में ये यही चलती है आज के टाइम पे। 10 सालों से कर रहे हैं जी। जी मेरे पति दिहाड़ी करते हैं, तो उससे बरकत नहीं, घर में कम वो है, इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए हमें काम करना पड़ता है। और साथ जुत्ती बनाते हैं, इसकी सिलाई कोई 40 रुपया सिलाई है जी, रोज की 4 जुत्ती सी लेते हैं जी। 4 जुत्ती बनाते हैं, 120 रुपये बनते हैं जी सिलाई के। कौन कौन सी वैरायटी बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाती है? जी अम्बाला जाती है, पटियाला जाती है, बठिंडा, जलंधर, अम्बरसर, सारी जगह जाती है जी। दिल्ली भी जाती है, बम्बई भी जाती है जी। जी ये मरदामी है जी, जेंट्स पहनते हैं इसे, लेडीज भी बनाते हैं जी, फैंसी बनाते हैं जी। वर्णनयोग है कि इस तो पता लगता है कि महिलावां जिन्नी मेहनत करदियां ने उन्हां फल उन्हां नूं नहीं मिलदा। दुकानदारां दे नाल जदों इस विषय ते गलबात कीती गई तां दुकानदार पूरन चंद ने दस्या कि महिलावां ते पुरश जो जुत्ती बनांदे ने अलग-अलग हिसाब दे नाल उन्हां नूं लेबर दित्ती जांदी है। उन्हां ने कहा कि महिलावां नूं सिलाई वास्ते 50 या 60 रुपए दित्ते जांदे ने। ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਕੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, 3-4 ਹਿੱਸੋ ਮੇਂ ਕੰਮ ਬਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਮੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੇਬਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੁਛ 50 ਸੇ 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਰ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਮੇਂ, ਉਹ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। यहाँ से नज़दीक लगभग हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान जा रही है, दिल्ली जा रही है, तीनों चार जगह जा रही है। ट्रेंड के हिसाब से 2-3 साल बाद कुछ ना कुछ नया चल जाता है। जो आजकल जेंट्स में जो खुसा वगैरह चल रहा है और लेडीज़ में वर्क वाली जूती चलती है, ज़्यादा सिंपल कम चलती है। लेडीज़ की वैरायटी चेंज होती रहती है, हर 3-2 साल बाद में नया कुछ ना आ जाता है। कढ़ाई वगैरह चेंज होगी, कोई शेप वगैरह चेंज होगी, ऐसे बदल जाता है। ये लगभग जो काम हो रहा है बरेली से हो जाता है, हैंडवर्क है सारा, ये जो मुसलमान वगैरह करते हैं सभी। और जो लोकल काम है कढ़ाई का जो लेडीज़ करती हैं वो थोड़ा काम रह गया, पहले होता था ज़्यादा, अब बहुत थोड़ा रह गया। करीब कॉस्ट 450 की रेंज में यहाँ से सेल होती है और आगे जाके अपना मार्जिन लगा के बेचती हैं वो। ग्राहकों के नाल जदों इस विषय ते गलबात कीती गई तां उन्हां ने दस्या कि डब वाली दी जुत्ती पूरे देश भर च मशहूर है। बठिंडा ते मलोट तो कई बार ओह इत्थे आंदे ने ते जुत्तियां खरीद के लै जांदे ने। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਹੰਢਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੰਢਣ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਬਸ ਯਹੀ ਸੇ ਹੀ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਲੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ